देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से है, जहां माँ बाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा है। जिला संयोजक महेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 23 जुलाई को वागड़ में प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बनेश्वर धाम डूंगरपुर में राजस्थान माँ बाड़ी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों से माँ बाड़ी शिक्षा सहयोगी उपस्थित रहे। सभी जिलों से शिक्षा सहयोगी साथी ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें राजस्थान विधानसभा में गोपीचंद मीणा द्वारा माँ बाड़ी शिक्षा सहयोगी को संविदा 2022 में जोड़ने का सरकार को प्रसन्न किए जाने पर जनजाति मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसको लेकर समस्त शिक्षा सहयोगियों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। इस चर्चा को लेकर समस्त शिक्षा सहयोगियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि माँ बाड़ी शिक्षा सहयोगियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अंतर्गत कैडर या संविदा 2022 में शामिल करते हुए नियमितकरण नहीं करवाया जाता है तो 27 जुलाई से प्रत्येक जिले में स्वस्थ परियोजना कार्यालयों पर शिक्षा सहयोगी स्वस्थ ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भेजते हुए कलमबद्ध हड़ताल पर रहेंगे। इसको लेकर विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न मांग जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्धारित कैडर में शिक्षा सहयोगियों को शामिल करते हुए संविदा 2022 में शामिल करवा कर नियमितीकरण करवाने की मांग की है। प्रतापगढ़ से पवन धाकड़ की विशेष रिपोर्ट।